आपदा के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर का दुरुपयोग करने पर प्रशासन सख्त। जेजे हॉस्पिटल संचालक मानवीय मूल्यों को दरकिनार कर ऑक्सीजन सिलेंडर का कर रहे हैं दुरुपयोग। डीसी एसडीएम बहादुरगढ़ ने निरीक्षण किया तो व्यवस्थाएं मिली असंतोषजनक। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में कोरोना महामारी के दौर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन आपूर्ति का दुरुपयोग करने के मामले में झज्जर जिला प्रशासन की ओर से बहादुरगढ़ शहर के जे हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी जितेंद्र कुमार ने आपदा की घड़ी में मानवीय मूल्यों को दरकिनार कर ऑक्सीजन सिलेंडर का दुरुपयोग करने वाले जे हॉस्पिटल संचालकों पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। गौरतलब है कि झज्जर जिला में कोरोना संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमित लोगों के लिए चिन्हित किए गए अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति समुचित रहे, इसके लिए मरीजों की संख्या अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर का आवंटन नियमित तौर पर किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से अस्पताल में दाखिल मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए दिन रात नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुरूप अब तक जिले के विभिन्न अस्पतालों में 417 कोरोना संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन बेड पर रखा गया है। एसडीएम बहादुरगढ़ हितेंद्र शर्मा सभी अस्पतालों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहीं जेजे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर अनियमितता पाए जाने की सूचना पर एसडीएम बहादुरगढ़ हितेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा शनिवार व रविवार को जे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया तो पाया कि उसमें 67 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। प्रशासन की ओर से पूरे जिले के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से साय 8 बजे तक 614 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की गई, जिसमें से जेजे हॉस्पिटल को 209 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। वहीं शुक्रवार रात 8 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे तक जिले के सभी अस्पतालों में कुल 168 सिलेंडर दिए गए, जिनमें से उक्त हॉस्पिटल में 70 ऑक्सीजन सिलेंडर उनकी मांग अनुरूप मुहैया कराए गए। इतना ही नहीं, शनिवार को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जिला के अस्पतालों में कुल 480 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए और उनमें से जेजे हॉस्पिटल को 133 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। जेजे हॉस्पिटल में दाखिल 67 मरीजों पर इतने अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोगिता को मद्देनजर रखते हुए डीसी ने अनियमितता पाए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। इस प्रकार की अनियमितता बरतने के मामले पर जब एसडीएम ने संबंधित हॉस्पिटल संचालक दीपक खट्टर व ज्योति मलिक से बात की गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में आपदा के समय में ऑक्सीजन सिलेंडरों का दुरुपयोग किसी भी रूप से किए जाने पर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और इस संदर्भ में डीसी ने सीएमओ डा संजय दहिया की देखरेख में जांच टीम गठित करते हुए पूरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।